दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। नवा नियम है 9th, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है जानना, विशेष रूप से यहाँ जो माताएं आई हैं उनको तो ये बहुत जरूरी है। वैसे तो पुरुषों के लिए भी जरूरी है, भाइयों को भी जरूरी है, लेकिन माताओं से इसका कनेक्शन है सीधा सीधा। वो ये है कि जब भी आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो कभी भी भोजन में दो चीज एक साथ ऐसी मत बनाइए जो एक दूसरे के विरोधी है, तासीर में एक दूसरे के उल्टे है। तासीर में एक दूसरे के उल्टे होने का माने कोई ठंडा है कोई गर्म है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। कोई एसिडिक बहुत ज्यादा है कोई एल्कलाइन बहुत ज्यादा है, ऐसी चीजें एक साथ मत बनाइए। तो मैं सीधे बात पे आता हूं ज्यादा उसको घुमाने की बजाय, कि आप जिन चीजों की एक दूसरे के विरुद्ध तासीर है उनको साथ में ना बनाएं ना खाएं। जैसे दूध और दही दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दही जो है ना एसिडिक है और दूध एल्कलाइन है, दूध क्षारीय है दही अम्लीय है, ये दोनों साथ में नहीं खा सकते आप, खाएंगे तो जहर और आपके बीसियों रोगों का ये कारण बनेगा दूध और दही साथ में खाने। इसी तरह से हमारे रसोई घर में प्याज है, प्याज कभी भी खाएं तो दूध के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि समस्या फिर वही है, प्याज बहुत एसिडिक है दूध बहुत क्षारीय है, दोनों साथ में खाएंगे तो जहर है। तो जब भी प्याज खाना है, कच्चा खाना हो या सब्जी में खाना हो, दूध की कोई चीज उसके साथ ना हो। खीर खानी है तो प्याज की कोई चीज साथ नहीं होनी चाहिए, और प्याज खानी है तो दूध की कोई सी चीज साथ में मत खाइए। प्याज के साथ जो दोस्ती है वो दही की है, दही के साथ भरपूर प्याज खाइए, दही में प्याज डाल के खाइए, प्याज में दही डाल के खाइए। हम कई बार सलाद बनाते हैं ना, दही का उपयोग करते हैं, तो प्याज दही बेस्ट कॉम्बिनेशन है सलाद का, तो दही प्याज का कॉम्बिनेशन बनाइए, प्याज दही का कॉम्बिनेशन बनाइए, दूध उसके साथ नहीं, तो दूध के साथ दही नहीं, प्याज के साथ दूध नहीं। इसी तरह से एक तीसरी चीज हमेशा याद रखिए लाइफ में, शहद के साथ घी कभी मत खाइए। घी और शहद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं अगर एक साथ खाएंगे तो। वैसे दोनों अमृत हैं, घी भी अमृत है शहद भी अमृत है, लेकिन साथ में खाएंगे तो यही दोनों जहर है, तो घी और शहद नहीं खाइए। इसी तरह से उड़द की दाल, काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनने में गलती मत करना आप इसको, काली वाली उड़द की दाल दही के साथ कभी मत खाइए। हाँ माँ की दाल, पंजाब में आप सब लोग उसे माँ की दाल कहते हैं, माँ की दाल अकेले खानी है, दही उसके साथ नहीं। क्यों नहीं? माँ की दाल के साथ कभी भी दही मैंने खा के देखा, आयुर्वेद में तो मैंने ये 12 साल पहले पढ़ा था, बहुत दिन मैंने खा के देखा, 5-6 महीने मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन जब भी माँ की दाल के साथ दही खाया बीपी हाई हो गया, जब भी खाया। तो मेरा आप सभी माताओं को विशेष निवेदन है कि दही बड़ा अगर उड़द की दाल का बड़ा है तो दही के साथ मत खाइए उसको, मूंग की दाल का बड़ा दही के साथ खाइए। मूंग की दाल दही के साथ खा सकते हैं, अरहर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, तुअर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, मसूर की दाल दही के साथ खा सकते हैं, चने की दाल की दही से बहुत अच्छी दोस्ती है, खेसारी की दाल दही के साथ खा सकते हैं, सोयाबीन की दाल दही के साथ खा सकते हैं। एक ही दाल है भारत में और दुनिया में, उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, माँ की दाल, जिसको दही के साथ नहीं खाया जाता। कारण एक और है उसका, ये माँ की दाल जो है ना सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली है दुनिया में, अगर सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर आप निकालेंगे तो माँ की दाल में ही है। और हाई प्रोटीन डाइट का नियम ये है कि उनको किसी भी एसिडिक चीज के साथ नहीं खाया जाए, क्योंकि हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और कोई भी एसिडिक चीज है वो हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में रुकावट पैदा करती है। तो माँ की दाल के साथ दही नहीं खाना, बाकी किसी भी दाल के साथ दही खाइए। फिर आप पूछेंगे कि कोई इमरजेंसी हो जाए, दही भी खाना है माँ की दाल भी खानी है, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस कर दीजिए।
माँ की दाल खा के एक घंटे बाद दही खा सकते हैं या दही खाने के एक घंटे के बाद माँ की दाल खा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।